हेलो गाइस, मैं विशाल आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। और यार, काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली क्योंकि मुझे कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था। और आप लोगों से, जैसा कि मैंने कहा था कि कोई वीडियो बनाने का टॉपिक दीजिए आप लोग, बट कमेंट्स तो कुछ आए नहीं। बट दो चार कमेंट जितने भी आए हैं उसमें लोगों ने एक चीज़ कॉमन दिखा मुझे कि सबको कोई ना कोई गेम हैक करना था, या शायद किसी भी गेम की मॉड चाहिए थी। तो उसको लेकर मैंने आज एक वीडियो बनाई है, क्योंकि अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे मैं काफ़ी सारे गेम्स का मॉड या फिर हैक वर्जन डाउनलोड करता हूँ और खेलता हूँ। तो वैसे तो उसमें बहुत मज़ा आता है। साथ ही एक ऐसा ऐप के बारे में बताऊँगा जिससे आप कोई भी प्ले स्टोर का जो ऐप है उसको, पेड ऐप्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ये साइट खोल ली है और अब यहाँ पे हम कोई भी गेम, जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी गेम्स हैं। और जो इसका इंटरफेस है वो भी आपको काफ़ी प्ले स्टोर के जैसा ही लग रहा होगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि ये इजी टू यूज़ हो जाता है इस तरह। और अब हम कुछ गेम्स देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, 8 बॉल पूल का भी मॉड है यहाँ पे, क्लैश ऑफ क्लैंस का भी मॉड है, जो कि हम एक्चुअली ये मॉड नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये हमें प्राइवेट सर्वर वाले का लिंक देगा जिससे हम प्राइवेट सर्वर में खेल सकते हैं। एक्चुअल सर्वर से नहीं खेल पाएंगे क्योंकि वो प्राइवेट, मतलब उसको हैक नहीं किया जा सकता जो एक्चुअल गेम है। तो यहाँ पे हमें एक हेलिक्स जंप मॉड दिख रहा है, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने इंस्टॉल पे लगा दिया है, तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं आप, तो दोस्तों आप देख सकते हैं गेम इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम गेम को देखते हैं। तो गेम के लिए हम, गेम है तो इसको फोन कॉल्स करने की क्या जरूरत है भाई। दोस्तों, कोई भी गेम अगर आपसे ऐसे परमिशन मांगता है जिसकी उसको जरूरत नहीं है तो कृपया ना दें, अपनी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है। मैंने गेम कभी खेला नहीं है तो मुझे पता नहीं है कैसे खेलना है। ये तो प्रॉब्लम है कि पता नहीं इसमें मॉड है क्या। ये एड्स वाला प्रॉब्लम है यार, एकदम पसंद नहीं है। पता नहीं अब इसमें मॉड का मैं करूंगा क्या। दोस्तों, मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ मॉड्स का कोई ज़रूरत है। बट हमारा बेस्ट आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा ही ऊपर है। तो आप इस ऐप की मदद से कोई भी गेम इंस्टॉल करके खेल सकते हो। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे ऐप के बारे में जिससे आप प्ले स्टोर पे कोई भी पेड गेम जो है वो फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं आपको कोई पेड गेम दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे एक सस्ती वाली कोई उठा लेते हैं और क्या। ये सस्ती है और भी बहुत है इसका। ये आप देख सकते हैं, हिटमैन स्नाइपर लास्ट जर्नी, लास्ट जर्नी देखते हैं। ये 10 रुपये की गेम है। तो इसे अगर हमें फ्री में डाउनलोड करना है तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स। ये ऐप कुछ इस तरह की होगी। इसमें आप देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी 78 रुपये हैं, तो क्योंकि मैं इस ऐप को काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। और रिवॉर्ड हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं आप मैंने किस तरह पैसे कमाए हैं। फर्स्ट सर्वे के लिए कुछ पैसे मिले हैं मुझे यहाँ पे। टोटल अर्न मेरे पास 123 रुपीज़ थे। तो मैंने एक गेम खरीदी थी तो उसके लिए मुझे थोड़े पैसे कम हो गए। यहाँ पे आपको क्या होता है कि सर्वेज़ आते रहते हैं समय समय पे। उन सर्वेज़ के आपको आंसर देने रहते हैं जिसमें मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस होते हैं, और उस 5 क्वेश्चन के लिए आपको उसी हिसाब से पैसे मिलते हैं।
कुछ 7 रुपये 6 रुपये, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे कहीं 32 रुपीज़ 32 रुपीज़ में मिले हैं, तो ये 5 6 रुपये तो नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि कुछ कुछ आपको रेटिंग्स भी देने होंगे कुछ, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे जो 78 रुपये मेरे पास हैं, इसको मैं इस्तेमाल कैसे करूँगा। सबसे पहले आपने जिस आईडी से गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स में लॉगिन कर रखा है उसी आईडी से लॉगिन कीजिए आप अपने प्ले स्टोर पे। और प्ले स्टोर पे लॉगिन करने के बाद वो आईडी अपना खोल लीजिए, जैसे कि मैंने अभी वही आईडी जो प्ले स्टोर में है, सॉरी ओपिनियन रिवॉर्ड्स में है, वही यहाँ पे भी लगा के रखी हुई है। तो अब हम इस गेम को इंस्टॉल सिंपली खरीदते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा गूगल प्ले बैलेंस जो दिखा रहा है इस जगह पे, वो दिखा रहा है 78.29, जो कि वहाँ पे भी हमने देखा था। तो अब हम वन टैप बाय पे क्लिक करेंगे, टच द सेंसर टू कंटिन्यू। अब इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस आप देख सकते हैं, कंटिन्यू। तो ये गेम हमने खरीद लिया है, लेकिन अभी इंस्टॉलमेंट के लिए तो मैं रद्द कर देता हूँ और रिफंड अपना ले लेता हूँ। ये देखिए रिफंड पता नहीं मुझे मिला या नहीं, शायद मिल गया है रिफंड। हाँ जी, मेरा रिफंड मुझे वापस मिल गया। तो ये थे वो दो ऐप्स जिनके बारे में मुझे आपको बताना था, और वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा चैनल नया है, तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सबको बताएं मेरे चैनल के बारे में।